नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। एक साथ तीन तलाक देने को गैर कानूनी बनाने वाले विधेयक पर लोकसभा में वोटिंग जारी। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राजनीतिक नजरिए से ना देखा जाए बिल, दोषी पाए जाने पर ही मिलेगी 3 साल की सजा। कांग्रेस समेत कुछ दलों ने सदन से किया वॉकआउट। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग और कावेरी समेत विभिन्न मुद्दों पर आज भी नहीं चल पाई राज्यसभा की कार्यवाही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी, कहा सदन का बार बार स्थगित होना ठीक नहीं। सरकार समेत सभी दलों से की अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आम राय बनाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल की विकास यात्रा में भरपूर सहयोग दे रहा है केंद्र। राज्य को पिछली सरकार से 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ज्यादा। स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के मामले में तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला ऊपर। नीति आयोग ने जारी किया आकांक्षी जिले कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग। मूलभूत सुविधाओं के आधार पर की गई रैंकिंग में 111 जिले हुए शामिल। और 12 दिन की एनआईए रिमांड में भेजे गए आईएसआईएस के नए मॉड्यूल से जुड़े सभी 10 आरोपी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कल 17 जगहों पर छापेमारी में पकड़े गए थे। हरकत उल हर्ब ए इस्लाम के संदिग्ध सदस्य। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी के बिना मुमकिन नहीं हो पाती कामयाबी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र हिमाचल प्रदेश के विकास यात्रा में भरपूर सहयोग दे रही है। इसके लिए राज्य की बजट राशि को 21,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 72,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल सरकार के 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला में हुई रैली में यह बात कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए किसानों और जवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए कुछ लोगों को देश के चौकीदार से डर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर धर्मशाला में जन आभार रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए भरपूर मदद कर रही है और पिछली सरकार से 50,000 करोड़ रुपए ज्यादा हिमाचल को दिए जा रहे हैं। 72,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, यानी पहले वाली सरकार से 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा। और ये इसलिए संभव होता है क्योंकि भारत सरकार को भरोसा है यहां की पाई पाई का सही उपयोग होगा। यहां की पाई पाई में से नया हिमाचल बनेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 1 साल में राज्य सरकार ने काफी काम किया है और आज पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। 1 साल के भीतर भीतर इतना काम किया है अपना, इतने इनिशिएटिव लिए हैं, जन सामान्य तक पहुँचने का जो प्रयास किया। लेकिन आज हिमाचल की सरकार ने ये स्थिति बना दी है कि पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आ रहा है और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस ने ओआरओपी और किसान कर्ज माफी को लेकर झूठ बोला था और वो अब फिर जवान और किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को लूटने की आदत थी उन्हें देश के चौकीदार से डर लगने लगा है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आंख में धूल झोंको, चुनाव जीतने के लिए
देश के किसान की पीठ पे छुरा फोंको, ये खेल कब तक चलता रहेगा? चोरों की नींद हराम हो गई है कि चौकीदार सोने को तैयार नहीं है, चौकीदार चोरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए परेशानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए लागत वाले 4 बड़े रेल नेटवर्क का काम चल रहा है, जो आने वाले दिनों में आधुनिक हिमाचल के विकास की दिशा में नई गति देने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इस विषय पर और ज्यादा बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जतिन गांधी। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसके 1 साल आज पूरे हो गए और इस 1 साल के दौरान जो विकास की सीढ़ियां राज्य ने चढ़ी हैं वो किसी से उपलब्धियां छुपी नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आज बहुत कुछ कहा और बताया कि कैसे पिछली केंद्र सरकार के मुकाबले ज़्यादा जो राज्य में निवेश हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जा रहा है ताकि और विकास के लिए आगे बढ़ सके। जी हाँ, प्रधानमंत्री की जो आज की जो स्पीच है वो ऐसा लगता है कि जैसे 1 साल हुआ नहीं बल्कि शायद 4.5 साल हो गए हैं सरकार को और दोबारा से जो राज्य है वो चुनाव में जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जितनी सियासी और जितनी पॉलिटिकल आज प्रधानमंत्री की स्पीच थी, एक तो उनका हिमाचल प्रदेश से पुराना नाता है। 1998 में जब पहली बार प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने तो मोदी वहाँ के इंचार्ज थे, तो उन्होंने बड़ी करीब से देखा और आज की जो उनकी स्पीच है लगभग पहले के 10 मिनट में बिल्कुल साफ था कि जिस तरह से वो हिमाचल के हर छोटे कोने को, हर चप्पे चप्पे को जिस तरह से जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना कनेक्शन बताया लोगों को, उन्होंने हिमाचली धाम की बात की वहाँ पे और उन्होंने जैसे लाहौल स्पीति में जो आलू की पैदावार होती है उसके बारे में संगठन में रहने के दौरान कई तो लग रहा था कि समय बिताया जो वहां काम एक, एक मोदी की जो आदत है कि वो पर्सनल लिंक अपना जो जोड़ते हैं जनता के साथ, तो आज उन्होंने पूरा वो प्रयास किया। पर उन्होंने साथ ही साथ विपक्ष पे पलटवार किया और ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने किसानों की बात, क्योंकि हिमाचल जो है वहाँ पे एक कृषि प्रधान देश भी है और वहाँ से बहुत लोग भारतीय फौज में भी, सेना में भी जाते हैं। जी बिल्कुल, तो उन्होंने किसान और जवान का जो बात उन्होंने की और कांग्रेस पे सीधे सीधे निशाना साधा कि ये किसानों को भी धोखा दे रही है और इन्होंने जवानों को भी धोखा दिया। ओआरओपी की उन्होंने बात की, वन रैंक वन पेंशन की। उन्होंने कहा कि किस तरह से जब यूपीए की पिछली सरकार थी कांग्रेस के तहत, तो उन्होंने 500 करोड़ रुपया केवल बजट में रखा ओआरओपी के लिए, कि जब इनकी सरकार आई वास्तव में इन्होंने देखा तो 12,000 करोड़ इनको लगा के मिलना चाहिए सारी स्कीम के लिए। तो ओआरओपी पे भी मोदी सरकार का जो है क्रिटिसिज्म हुआ है। जो सेना के जवान हैं, जो एक्स सर्विस मैन हैं, ओआरओपी अनाउंस होने के बाद भी वो कई साल तक जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे रहे, वो संतुष्ट नहीं थे जो स्कीम अनाउंस की थी सरकार ने उससे, तो उसको काउंटर किया एक तो मोदी ने। दूसरा, ये जो 3 राज्यों में सरकारें बनी कांग्रेस की, वहाँ पर उन्होंने चंद ही दिनों में आते ही फार्म लोन वेवर्स जो हैं किसानों का कर्जा माफ़ करने की जो उन्होंने वादा किया था उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो अब इतनी नज़दीक अगले लोकसभा चुनाव हैं, अगले 3-4 महीने में वहाँ लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर है प्रधानमंत्री क्योंकि अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं तो उनको एक फिक्र भी है कि कहीं भाजपा को इसका नुकसान ना हो, तो उसको भी काउंटर किया उन्होंने। जी बिल्कुल। और सर, अगर हम विकास की बात करें, क्योंकि अक्सर ये विडम्बना ही रही है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो अक्सर विकास की दौड़ में पीछे छूटते हैं, वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो पलायन करने को मजबूर होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में इतना काम हुआ है कि अब वहाँ का पानी और वहाँ की जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। हाँ, वो प्रधानमंत्री ने उसको इस्तेमाल किया उस कहावत को कि पहाड़ की जवानी और वहाँ का पानी, वो कहीं वो हमेशा पहाड़ के काम नहीं आता क्योंकि वो राज्य से बाहर चला जाता है, पानी भी बह जाता है, तो जब तक वहाँ डैमिंग ना हो। अब बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो शुरू हुए हैं इसी सरकार के तहत, नहीं पिछली सरकारों में भी लेकिन उन्होंने गति पकड़ी है सरकार के तहत। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि एम्प्लॉयमेंट के जहाँ तक सवाल है, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश एक प्रदेश है, वहाँ पर एक ज़्यादातर कृषि और टूरिज्म हॉर्टिकल्चर, ये तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हिमाचल जो है निर्भर करता था। लेकिन हिमाचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो सदर्न हिमाचल खास करके है, जो दक्षिणी हिमाचल, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे हुई है क्योंकि
वहाँ पे इंडस्ट्री को टैक्स हॉलीडे दिया गया, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण आया है। जी जी बिल्कुल। और सॉरी, विकास की बात हम कर रहे थे और एक साल का कार्यकाल हो चुका है, और आज जैसा कि आपने भी कहा कि विकास के साथ साथ एक पॉलिटिकल स्पीच भी थी प्रधानमंत्री की, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। काम के लिहाज से अगर हम देखें जयराम ठाकुर की सरकार को, उसको आप कितने किस तरीके से एज ए जर्नलिस्ट आते हैं? देखिए, जयराम ठाकुर की जो सरकार है, उन्होंने एक बड़ी फिल्म वहाँ पे एक घंटे भर की फिल्म दिखाई, हाँ, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि क्या 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 काम हो रहा है। तो ये तो तय है कि जो बीजेपी की जो सरकार है या बीजेपी की जो पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। इस मतलब वो जितना काम करते हैं उतने उतनी अच्छी तरह प्रचार भी करते हैं। बिल्कुल। और एक साल का जो समय है किसी को सरकार को आंकने के लिए बड़ा कम समय है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि उसमें कई महीने तो आपको पुरानी चीज़ें साफ़ करने में लग जाते हैं और सेटल करने में, हाँ। और जो आपने मैनिफेस्टो पेश किया लोगों में, तो अभी मुझे लगता है कि ये 100 दिन या एक साल सरकार को आंकने के लिए कम होते ये हैं। कम समय है। पर जहाँ तक प्रधानमंत्री की स्पीच का बात है, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने 2019 का जो कैंपेन है उसको सॉफ्ट लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये काम अनुकरणीय है जयराम ठाकुर के हैं, और दूसरे राज्यों के लिए भी उसका अनुकरण करने, जाहिर है अगर वो बीजेपी की सरकार वहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, वो उसकी तारीफ करेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। That clock ticked through the night. So much happened as you slept. So much you missed. Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. पच्चीकारी सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा, ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। Tales that inspire. Stories of social change. A salute to diversity. Promoting public discourse. Events that motivate. Inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries. Thank you.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर का। एक साथ तीन तलाक को गैर कानूनी करार देने से जुड़े विधेयक को गुरुवार को लोकसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की आशंका को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है। बिल पर वोटिंग से कांग्रेस समेत कई दलों ने सदन से वॉकआउट किया। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सारे मामले पहले ही पेशी में सुलझ जाएंगे। मजिस्ट्रेट पूछेगा पति से, तूने तीन तलाक दिया नहीं दिया, पत्नी को इज्जत से वापस ले जाओ, घर पे रखो, टर्म्स रिकॉर्ड करेगा, इसको मेंटेन करो, और अगर तूने दिया तो जेल जाओ, ट्रायल फेस करो। अब लोग कह रहे हैं तीन साल ट्रायल के बाद होगा, तीन साल सजा है। तो सदन ये कानून लेकर के आई है तो इसलिए कि उनको सम्मान मिले, इंसाफ मिले, और इसीलिए हमने कानून बनाया है। और इससे पहले गतिरोध के बीच विधेयक पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। उनके अलावा तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, कुछ दूसरे सदस्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बिल पर सदन में पहले ही चर्चा हो चुकी है और इसलिए इसको संसदीय समिति को भेजने की जरूरत नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसको इन डिटेल जाना ये जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर कैन कंसीडर टू सेंड द बिल टू द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, आई थिंक इट विल बी नो हार्म। और इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा पर अपनी बात रखी। स्टिल द मैरिज इज सब्सिस्टिंग, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज सब्सिस्टिंग, हाउ कैन दिस क्लॉज 6 बी देयर? सो माय पॉइंट इज क्लॉज 3, क्लॉज 5, क्लॉज 6, ऑल दीज 3 बिल्स आर इंटर कॉन्ट्रडिक्टरी। यू आर क्रिमिनलाइजिंग इट। This law, madam, this law is not about empowering a Muslim woman. Contact between two adult of opposite sex, or wo agar contact breach hota hai, so sir, nature is civil. Why you are making it a criminal one? Rethink it. All everybody is saying is, the worry is if she gets triple talaq or with this hostile environment, where is he going to pay all these things? These are very critical issues. और कावेरी समेत कई और मुद्दे पर अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से बार बार सदन चलाने की अपील की, बावजूद इसके सदन में गतिरोध बना रहा, जिसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सदन में दिवंगत पूर्व सदस्य एन राजंगम और जय नारायण प्रसाद निषाद को श्रद्धांजलि दी गई। कावेरी समेत दूसरे मुद्दों पर अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार को भी बाधित रही। सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने और सभा पटल पर अहम पत्र रखे जाने के बाद सभापति ने सदन को जानकारी दी कि कुछ सदस्यों ने नियम 267 के तहत स्थगन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने स्थगन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सदस्यों को किसी दूसरे नियम के तहत इन मामलों को उठाने की बात कही। Notice under Rule 267 for suspension of rules. I have deserved it. They can raise it under other rules. सभापति की अपील को नजरअंदाज करते हुए AIADMK के सदस्य हाथों में तख्तियां लिए सभापति के आसन के करीब आ गए। सभापति ने अवरोध शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की, लेकिन सदस्य नारे लगाते रहे। As nobody seems to be interested. I have no other option other than adjourning the house for the day. The house is adjourned to meet at 11 AM tomorrow. सभापति की बार-बार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार सभापति एम वेंकैया नायडू को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। पंचानन मिश्र, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में जारी गतिरोध पर कड़ी नाराजगी जताई है।
सभापति ने कहा कि सदन का बार बार स्थगित होना ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार समेत सभी दलों से अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आम राय बनाने की अपील की है। संसदीय मामलों के मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुई बैठक में सभापति ने कहा कि बार बार गतिरोध पैदा करने और कामकाज को बाधित किए जाने के चलते उन्हें मजबूरन कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद से सदन में लगातार गतिरोध हो रहा है। सभापति ने यह साफ किया है कि सदन में कामकाज को सुचारू रूप से चलाना सरकार और सदन के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी सांसदों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभापति सदन के सुचारू संचालन के लिए सदस्यों से अपील कर सकता है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने सदन में कई अहम विधेयकों के लिए समय आवंटित किया है। सभापति ने यह नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन में मूल्य वृद्धि, कृषि क्षेत्र की चिंताओं, कावेरी जल मुद्दे, राफेल सौदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की अनुमति के बावजूद बहस नहीं हो पा रही है। सभापति ने कहा कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार और विपक्षी दल द्वारा कार्यवाही की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद सदन क्यों नहीं चल पा रहा है। सभापति ने सभी पक्षों से तत्काल मतभेद भुलाकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की अपील की है। सभापति ने सभी दलों के सांसदों से गतिरोध खत्म करने के लिए एक राय बनाने की भी अपील की है। और नीति आयोग ने गुरुवार को दूसरे डेल्टा रैंकिंग जारी की है। नीति आयोग ने इस रैंकिंग में देश भर के 111 आकांक्षी जिलों को शामिल किया है। इसमें तमिलनाडु का विरुधुनगर टॉप पर रहा, वहीं जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा सबसे तेजी से प्रगति करने वाला जिला चुना गया। स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और मूलभूत सुविधाओं की प्रगति के आधार पर नीति आयोग ने आज आकांक्षी जिलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। नीति आयोग के मुताबिक ये रैंकिंग जून 2018 से लेकर अक्टूबर 2018 के बीच जिलों की प्रगति को देखते हुए की गई है। डेल्टा रैंकिंग मीन्स दैट वी आर कैप्चरिंग द प्रोग्रेस, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मेड बाय देम बिटवीन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट्स बिटवीन जून 1st एंड अक्टूबर 31st एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स एक्चुअली कवर 111 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया आउट ऑफ In 115 districts, 3 districts of West Bengal we are not taking because they are not. West Bengal is the only state which is not participating. दूसरी डेल्टा रैंकिंग में तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर ओडिशा का नुआपाड़ा, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर, चौथे स्थान पर बिहार का औरंगाबाद और पांचवें पायदान पर ओडिशा के कोरापुट को चुना गया। जिन जिलों ने सबसे कम प्रगति की है उनमें नागालैंड का केफायर, झारखंड का गिरिडीह और चतरा जिला भी शामिल है। असम का हेलकंदी और झारखंड का पाकुड़ जिला भी विकास की रफ्तार में पीछे रहे हैं। जून 2018 में जारी की गई पहली डेल्टा रैंकिंग के मुकाबले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले ने सबसे तेज प्रगति की, वहीं झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और फतेहपुर और बिहार के जमुई ने भी तेज प्रगति दर्ज की है। We give 30 marks to health and nutrition, 30 to education, 20 to agriculture and water resources, 5% to financial inclusion, 5% to skill, 10% to basic infrastructure. So we create a baseline and we say how these districts are moving up or down on these indicators, whether they are going up or whether they are going down on all these indicators. इसी तरह शिक्षा में विरुधुनगर, स्वास्थ्य और पोषण में उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, वित्तीय समावेश में कश्मीर का कुपवाड़ा, कृषि और जल संसाधन में बिहार का सीतामढ़ी जिला अव्वल रहे। इस तरह की पहली रैंकिंग नीति आयोग ने जून में जारी की थी, जिसमें विकास के मामले में गुजरात का दाहोद जिला सबसे ऊंचे स्तर पर था तो जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला सबसे निचले स्तर पर था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।